मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 22 जिलों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बीच मंडला जिले में अब तक सबसे अधिक 39.41 इंच बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि अन्य जिलों में बारिश की गतिविधियां कम है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजर रही है। इसके चलते उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन अत्यधिक तीव्रता की बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अगस्त से प्रदेश में बारिश का दौर थम सकता है, हालांकि इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 11 अगस्त को इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। 12 अगस्त और 13 अगस्त को सिर्फ भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के मामले में मंडला जिले के शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखी है, जहां तक 39.41 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा सिवनी में 37.17 इंच, नर्मदापुरम में 34.24 इंच, रायसेन में 33.43 इंच, छिंदवाड़ा में 31.53 इंच, राजगढ़ में 31.13 इंच, डिंडौरी में 31.6 इंच, सागर में 30.33 इंच, बालाघाट में 30.28 इंच और सीहोर में 29.84 इंच बारिश दर्ज की गई है।